पहला एफएम का टाइप होता है ध्यान रखिए सभी फर्स्ट टाइप ऑफ एन बी एफ 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 एम इज एन बी एफ एम एंड ठीक है ये जो हमने एफ एम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है ये किस बेसिस पे किया है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स

जब हम एन बी एफ एम की बात करते हैं तो एन बी एफ एम में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में जब नैरोड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा होता है है ना जो भी हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है ठीक जब हम लोग व्हाइट बैंड एफ पढ़ते हैं तो व्हाइट बैंड एफ में जो हमारी बीटा की जो वैल्यू है बीटा स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ बुक्स में इसे एम एफ भी मैंसन किया गया है, है ना कुछ बुक्स में इस बीटा की जगह बेटा कुछ बुक्स में इस बीटा की जगह एम एफ भी लगा हु, लिखा, हु, लिखा हुआ है दोनों सही ही है, है ना ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है यू कैन यूज बीटा और एम एफ फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ठीक है जब हम डब्ल्यू बी एफ एम की बात करते हैं तो डब्ल्यू बी एफ एम में जो भी हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है क्लियर है यहाँ तक सभी को ठीक है अच्छा ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन द केस ऑफ एफ एम जब हम स्टार्ट किया था या एफ एम का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जब मैंने बताया था तब मैंने बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ डेल एफ एंड एफ एम बताया था मैंने ये पहले आप लोगों को इट मीन्स दैट मॉड्युलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी डेविशन विथ विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल क्लियर है एफ एम स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल ठीक

सेकंड क्या है पहला तो ये हम लोग सीधे सीधे बता सकते हैं कि एम एन बी एफ एम के केस में हमारी बीटा की वैल्यू कम होती है बीटा की वैल्यू कम होती है मतलब ए एम की वैल्यू भी कम होगी ठीक दूसरा ये बीटा की वैल्यू एक और फैक्टर से रिलेट करती है ये बीटा की वैल्यू एक और फैक्टर से रिलेट करती है वो कौन सा फैक्टर है वो हमारा फैक्टर है बैंडविड्थ कैसे बैंडविड्थ से रिलेट कर रही है हम जानते हैं बाय यूजिंग कार्डसन कार्डसन रूल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल

अगर मैं इस एफ और डेल एफ के बीच में कंपैरिजन करूं और इसकी वैल्यू बहुत कम है तो मैं इसे सीधे सीधे नेकलेक्ट कर सकता हूं सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बैंड विथ एस टू इन टू डेल एफ क्लियर बात ठीक है ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एन के लेक्चर में ये सब पढ़ा है बेटा कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ प्रैक्टिकल बैंड विथ ऑफ एन बी एफ एम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ये हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में ठीक है और पिछले लेक्चर में जब हम इसका एन बी एफ एम का डेरिवेशन किए थे उस समय हमने कुछ फैक्टर्स को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया था जैसे हम जानते हैं हम जानते हैं जैसे कॉस ऑफ यहाँ पे मैंने कोई फैक्टर लिख दिया सपोज मैं कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा लिख दिया है ना हम जानते हैं कि जब इस थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होती है जैसे मैं पॉइंट वन रेडियन ले लूँ पॉइंट टू रेडियन ले लूँ पॉइंट थ्री रेडियन ले लू तो जब हम लोग डेरिवेशन किए थे तो एनबीएफ के डेरिवेशन में सीधे सीधे हम लोगों ने जहां पे कॉस वाला बीटा फैक्टर था उसको डायरेक्टली वन से रिप्लेस कर दिया था सेम एज अगर साइन ऑफ थीटा था अगर साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ था तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया था डायरेक्टली थीटा से ये आप लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आप लोगों को याद होगा कि ये सब हमने वहां पे किया था ये दो एजम्पन हमने वहां पे किए थे जब हम एन का डेरिवेशन कर रहे थे क्यों हमने ऐसे बिकॉज वी नो दैट इन द दस ऑफ एफ एम इन द केस ऑफ एन बी एफ एम वी द वैल्यू ऑफ वी नीड टू नेगलेक्ट द वैल्यू ऑफ डेल एफ और वी कैन वी कैन से वी हैव टू नेगलेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस बीटा है ना तो इसकी वैल्यू को इस बीटा की वैल्यू को इस थीटा की वैल्यू को जैसे इस फॉर्म ये इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हमें नेगलेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम एजम्सन की एजम्पन हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं

क्यों नहीं ले सकते डब्ल्यू बी एफ एम की क्योंकि हम जानते हैं कि डब्ल्यू बी एफ एम केस में जो हमारे बीटा दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एंड इफ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज वेरी हाई इट दैट द वैल्यू ऑफ इज ऑलसो हाई है ना और अगर वैल्यू ऑफ डेल एफ की वैल्यू अगर हाई है तो इस डेल एफ की वैल्यू को तो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता तो अगर इस डेल एफ की वैल्यू को नेग्लेक्ट मैं नहीं कर सकता तो ये ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूं कि ये टोटली totally डिपेंड करेगी इस डेल एफ के चेंजेस के ऊपर कि हमारे जो भी डेविएशन है वो कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा निकलेगी ठीक है सबको समझ में आ रहा है तो क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी फैक्टर को एलिमिनेट नहीं कर सकते इसलिए इसका जो डेरिवेशन होता है वो अलग टाइप से किया जाता है अलग मैथमेटिकल रूल्स को लेके किया जाता है समझ में आया यहां तक सभी को ठीक है तो आज के लेक्चर में हमें इसी डब्ल्यू बी एफ एम का डेरिवेशन देखना है मैंने इस डब्ल्यू बी एफ एम के डेरिवेशन को किया है आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएगा पूरा है। है? तो देखते हैं कि कैसे किया है ये मैंने आप लोगों के लिए डब्ल्यू बी एफ एम का डेरिवेशन बनाया था ठीक है यहाँ पे मैंने देखिए डब्ल्यू बी एफ एम के स्टार्टिंग कैसे होती है यह इसका फुल फॉर्म है ठीक है वाइड बैंड सी मॉडुलेशन इट मीनस दैट उसमें जो भी हमारी बीटा की वैल्यू वो बहुत ही ज्यादा होती है इसमें जो हमारी बैंडविथ होती है वो हमारी ज्यादा होती है ना तो इसी ज्यादा बैंडविथ होने के कारण इसी ज्यादा बैंडविथ होने के कारण हम इसे वाइड बैंड कहते हैं है ना इस टाइप के फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में जो हमारी बैंडविड्थ की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है इट इसकी वैल्यू वी कैन कंसीडर इट्स थियोर वैल्यू इज इनफाइनाइट

ठीक है समझ में आया तक सभी को ठीक अच्छा जब हम लोग जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकालते हैं अब इसको स्टार्ट इस कैसे करें इस WBFM के को स्टार्ट कैसे करें के को स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने एन बी एफ एम के डेरिवेशन को स्टार्ट किया था कैसे सबसे पहले हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लेंगे का उस में हम उस को हम सॉल्व करते जाएंगे जैसे हमने एन बी एफ एम केस में किया था सिर्फ एन बी एफ एम और इसके डेरिवेशन में डिफरेंस ये रहेगा कि वहां पे कुछ फैक्टर्स को हमने डायरेक्ट एज्यूम करके एलिमिनेट कर दिया था बिकॉज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ बीटा लेकिन यहाँ पे हम वैसा नहीं करेंगे यहाँ पे हम पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे बात यहां तक समझ में ठीक चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं ये है दिस वन इज द द दिस वन इज दिसज एक्सप्रेशन ऑफ एफ एम दिस वन इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफ एम है ना क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन एफएम का क्या होता है एसी सी कॉस ऑफ टू पाई एफ टी प्लस टू एफ टू पाई के एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी एम टी डी क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को ठीक है जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफएम क्या है एफएम का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है ए सी ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस टू पाई के एफ जीरो टू टी एम टी डी ठीक है आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे वीडियो चलते जा रहा है साथ में आप लोग भी अपना नोट्स बनाते जाइए इसका डेरिवेशन देखते जाइए कि कैसे कैसे मैंने डेरिवेशन किया है आप लोगों को बाद में समझने में बहुत आसानी होगी क्लियर यहाँ तक ठीक है तो जब हम चाहे एन का डेरिवेशन स्टार्ट करें चाहे डब्ल्यू का डेरिवेशन स्टार्ट करें स्टार्ट तो हमको इसी जनरलाइज एफ के जनरलाइज एक्सप्रेशन से हमको अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना होगा ठीक बात सबको समझ में

ठीक है तो जो भी हमारे ये वाला जो भी इक्वेशन है जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है वैल्यू ऑफ एम टी एंड सोल्व इक्वेशन है यहाँ पे एम टी की वैल्यू को पुट ऑन करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ जनरलाइज एक्सप्रेशन ठीक है तो ये वाला जो हमारे इक्वेशन है इसको हमने नाम दे दिया इसको हमने मैं वन अब इस इक्वेशन नंबर वन में वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एम टी क्या होता है ये हमारे क्वेश्चन नंबर वन है इसमें हम लोगों ने ये वैल्यू को पुट किया है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी दिस वन इज द वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल है ना ये हम लोगों ने पहले पहले ही देखा और मैसेज सिग्नल को और क्या क्या कहा जाता है मैसेज सिग्नल इज आल्सो नोन एज बेस बेस बैंड सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल

अकॉर्डिंग उसका हम नाम चेंज नहीं करेंगे बस एक में वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कम होती है एक में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है बस ठीक है तो ये हमारा जो जनरलाइज एक्सप्रेशन था उसको हम लोग बीटा के टम्बे इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते जैसा हमने यहां पे किया कोई दिक्कत किसी को तो पूछ सकते ठीक है यहां तक सबको समझ आया कि हम लोगों ने कैसे जनरलाइज एक्सप्रेशन की वैल्यू को यहाँ पे लिखा है यहां तक सभी को है है ठीक चलिए जब हम पिछले लेक्चर में जब इसके बाद ही चेंजेस हुआ था पिछले लेक्चर में जब हम लोग एनबीएफएम डिस्कस कर रहे थे तो यहां तक तो प्रोसीजर सेम था यहाँ तक हमने एनबीएफएम में भी किया यहाँ तक हमको डब्ल्यू में भी करना है लेकिन जब NBFM का derivation कर रहे थे तो वहाँ पे सिधे -सिधे पे हमने सीधे सीधे किया था देखा था हम लोगों ने तो जब हम लोगों ने कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एस साइन बी वाला जो फॉर्मूला अप्लाई किया था कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू कॉस ए कॉस बी प्लस

है ना लेकिन जब हम लोग डब्ल्यू बी एफ एम की बात करते हैं तो यहाँ पे तो इस बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है और क्योंकि बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सीधे सीधे करके लेक्चर में जैसे हम लोगों ने लोग, लोग यहाँ नहीं कर सकते है। ठीक है अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसल्स फंक्शन का यूज करेंगे ठीक है मैथमेटिकल मैथमेटिक्स का एक फंक्शन होता है बेसल फंक्शन तो बेसल्स फंक्शन में जब कोई भी टर्म कॉज ऑफ एक्स साइन थीटा होता है ना जब बेसल्स फंक्शन में कोई भी कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा जैसे यहाँ पे कॉस ऑफ और अंदर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो वैसे ही बेसल्स फंक्शन में जब कोई भी इस टाइप का टर्म होता है तो हम उसको आ, आ, हम उसको एक इक्वेशन से रिप्लेस कर देते हैं, है हैं बेसल्स फंक्शन का यूज करके ठीक है हमें बेसल्स फंक्शन का यूज करना होगा लेकिन डायरेक्टली हम इस इक्वेशन से बेसल्स फंक्शन की तरफ नहीं जा सकते तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ठीक है तो अब कैसे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जाए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इस कोसाइन टर्म को है ना हम सबसे पहले इस कोसाइन टर्म को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे सॉल्व किया जाएगा सबसे पहले ऊपर का ये जो कोसाइन टर्म दिया हुआ है फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस कोसाइन टर्म 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 इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल और क्या होता है जब कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है जैसे इ टू पावर जे थीटा तो इसको मैं साइन थीटा प्लस जेस थीटा प्लस जेन थीटा बोल सकता हूँ है ना और जो यहाँ पे जे है यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सामने वाला जो टर्म है वो हमारा रियल है और जो जे के साथ जो टर्म लिखा हुआ है वो हमारा इमेजनरी है बात समझ आए इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं सिर्फ इतने ही इक्वेशन को देखूं अगर मैं सिर्फ इतने ही इक्वेशन को देखूं तो कभी भी अगर कोई भी कोसाइन टर्म है तो मैं सीधे सीधे उसको रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेशियल टर्म बोल सकता हूँ और कभी भी अगर कोई टर्म साइन टर्म है तो मैं सीधे सीधे साइन टर्म को मैं कह सकता हूं इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म क्लियर है यहां तक सभी को तो अगर मैं ऊपर के इक्वेशन में देखू तो ऊपर के इक्वेशन में तो हमारे कॉस के फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा इक्वेशन तो क्योंकि पूरा इक्वेशन हमारा कॉस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसा कह सकता हूं ए सी ए सी इंटू रियल पार्ट ऑफ टू पावर जे थीटा है ना अब ये थीटा क्या है थीटा ये पूरे टर्म की वैल्यू ये जो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आया ना इसकी वैल्यू है है ठीक तो कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू एक्सपोनेंशियल पार्ट सो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं समझ में आया आप लोगों के आता है ना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एफ डब्ल्यू बी एफ एम को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया है एसी इंटू रियल पार्ट ऑफ थीटा थीटा और theta की वैल्यू को हम लोगों ने पुट अप किया तो हमें सीधे सीधे यहां e, तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा अगर होगा तो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है यहाँ तक सभी को क्लियर है चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है है। है, पे पे देखेंगे e power ये जो j into pi plus beta sin pi लिखा हुआ है। क्योंकि यहां पे प्लस है, तो by using exponential property, हम इसको दो मल्टीप्लीकेशन टर्म में अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं है ना? तो दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल पार्ट इसको ये प्लस होने के कारण दो पार्ट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है क्लियर बात है यहाँ तक सभी को अच्छा जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें तो एक्सपोनेंशियल में कुछ भी साइन कोसाइन कुछ नहीं लिखा हुआ है है ना लेकिन अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ जाऊं तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट की पावर में यहाँ पे साइन मेंशन है है ना और हम जानते हैं कभी भी साइन या कोसाइन जो टर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आवर फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो टर्म है ये पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियर बात है सो फॉर द स्टडी ऑफ पीरियडिक सिग्नल ये टर्म ये सेंटेंस हमेशा ध्यान रखिएगा सो दैट फॉर द स्टडी ऑफ एनी पीरियडिक सिग्नल वी ऑलवेज यूज सीरीज है ना किसी भी को, किसी भी पीरियडिक सिग्नल के स्टडी करने के लिए इसको स्टडी करने के लिए हम हमेशा फोर ईयर सीरीज का यूज करते हैं है ना तो इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फोर ईयर सीरीज का यूज करना पड़ेगा अब देखिए हम लोग डेरिवेशन में आगे कैसे बढ़ रहे हैं सबसे पहले ये जो हमारा टर्म है ये जो हमारा सेकेंड टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फोर ईयर सीरीज और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे ठीक है पुट अप कर देंगे और जो भी टर्म आएगा उसको फिर मर्ज करके ये इस टर्म को फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को मर्ज करके एक टर्म बना लेंगे और फिर उसकी वैल्यू को वापस से यहाँ पे पुट अप कर देंगे उसकी वैल्यू को वापस से यहाँ अप कर देंगे और ओवरऑल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कैसे प्रोसीजर करने वाले हैं शॉर्ट में ठीक है तो अब ये जो हमारा सेकंड पीरियोडिक टर्म है इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए फोर ईयर सीरीज का यूज करना है तो हम लोगों ने क्या किया फोर ईयर सीरीज आप लोगों को इसके लिए फोर ईयर सीरीज का इक्वेशन पता होना चाहिए

तो फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कुछ बात सबको समझ में समेशन ऑफ जी टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी इनटू एस सी इनटू एन इनटू ई रे टू पावर जी एन ओमेगा नॉट टी क्लियर हियर दिस सीएन इज नोन एज पीरियडिक कांस्टेंट ये जो हमारा सी एन है इसको फोर ईयर कॉन्स्टेंट भी कहते हैं इसको पीरियोडिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं बात क्लियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी भी आ, किसी भी पीरियडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है फोर सीरीज़ में तो पहले मुझे इस फोरियर कांस्टेंट की वैल्यू की को निकालना पड़ेगा जब इस फोरियर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाऊंगा तभी तो मैं इस फोरियर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर पाऊंगा और अपने पीरियडिक uh, सिग्नल को फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर है ना तो अब इस सी एन की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं है ना तो अब ये सी एन जो है हमारा फोर कांस्टेंट कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्लियर है यहाँ तक तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग फोर इयर सीरीज के फोर इन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं and and uh, its its equation is 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 cn equals to 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 upon t t t t t t here here this t is the time constant limit minus by by into e to power Jn omega t. Clear, यहां तक सभी को समझ है अच्छा हमारा ये जो जी टी है ये जो हमारे जी टी जिसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन मान के चल रहे हैं हमारा जो इक्वेशन है उसमें क्या है ये हमारे इक्वेशन में तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसके लिए हम पूरा इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं है ना तो मतलब मैं क्या सीधे सीधे कह सकता हूं कि दिस जी टी इक्वल्स टू टू पावर बीटा साइन टू पाई क्योंकि हम तो जो पीरियडिक फंक्शन को सॉल्व करना है हमें जिस पीरियडिक फंक्शन को सॉल्व करना है वो तो ये जी, वो तो ये वाला फंक्शन है वो तो हमने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको एक फंक्शन जी मान लिया था तो जीटी इक्वल टू वही एक्सपोनेंशियल पार्ट है तो ये यहाँ पे किया मैंने ये जो हमारा जी है वही हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है है ना तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखू तो यहाँ पे जो साइन टू पाई एफ एम टी लिखा हुआ है इसको मैं ओमेगा एम टी कह सकता हूँ को ओमेगा कह सकता और अगर मैं अपने इक्वेशन के साथ कैलकुलेट करूं अपने वाले इक्वेशन के साथ कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट जो है ये हमारे इक्वेशन का ओमेगा क्लियर है ये टी क्या है ये टी हमारा टाइम कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना तो अगर यहाँ पे टी है तो टीवन एफ एम होगा टीवल टू वन अपॉन एफ एम होगा

पे जो है वो एफ हो जा रहा है है वो तो जब हम ने की, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया ठीक अंदर यहाँ पे देखिए अंदर यहाँ पे जीटी लिखा हुआ है तो जीटी की जो भी हमारी वैल्यूज है जिस जी, फंक्शन का हमको फोर सीरीज कैलकुलेट करना है उस फंक्शन को हमने यहाँ पे अंदर दिया सीधी सी बात यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं है ना अब इसको बेसल्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है है ना मैथमेटिक्स का एक फंक्शन होता है बेसल्स फंक्शन हमको इस इक्वेशन को बेसल्स फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने इस इक्वेशन में लिया टू पाई टू एक्स विल डिफरेंट दिस इक्वेशन जब हम लोगों ने इसको डिफ्रेंसिएट किया तो यहाँ पे 2 pi fm dt dx हो गया ठीक है तो dt टी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ एम इन हो गया क्लियर है यहाँ तक सभी को ठीक है तो जब हम इस t को x के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लिमिट्स हैं वो भी तो चेंज होगी है ना जैसे ये वाले इक्वेशन अभी हम लोग dt के फॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर मैं इस इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट्स भी तो चेंज होंगी तो जो पहले टी इक्वल्स टू थी

जो हमारी लिमिट है वो माइनस पाई से लेकर पाई तक वेरी कर रही है ठीक है और जो हमारे यहाँ पे डी टी लिखी हुई थी जो वैल्यू हमारे यहाँ पे डी टी लिखी हुई थी उस डी टी की जगह हम लोगों ने वन अपॉइंट uh, कर दिया जो आप लोग यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर बात सबको समझ में आया यहाँ

क्लियर है यहाँ तक सभी को अब ये जो हमें फर्स्ट वाला जो एक्सपोनेंशियल पार्ट मिला है और जो हमारा सेकंड वाला जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट मिला है दोनों हमारे एक्सपोनेंशियल है तो दोनों को एक साथ मर्ज करके हम कुछ ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को एक साथ कुछ हम ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर है सभी को यहाँ तक सभी को समझ आया ठीक है अब यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है

उसको हम कहते हैं फंक्शन है ना तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है जे एन बीटा से बेसल्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जे एन बीटा से है ना यहाँ पे जो एन है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ये जो एन है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है अब ऑर्डर मतलब क्या ऑर्डर मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे एन की वैल्यू को चेंज करते जाऊँगा डेफिनेटली मुझे जैसे जैसे मैं यहाँ पे एन की वैल्यू को चेंज करते जाऊँगा डेफिनेटली मुझे इस पूरे इक्वेशन के कुछ एक अलग वैल्यू मिलती जाएगी जैसे जैसे मैं इस बीटा की वैल्यू को चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे इस इक्वेशन के कुछ मुझे अलग वैल्यू मिलते जाएंगे और हम जानते हैं कि डब्ल्यू बी एफ एम के केस में बीटा की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है दैट मीन्स मॉड्युलशन इंडेक्स की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है तो सीधे सीधे अगर मैं जैसे जैसे बीटा की वैल्यू को पुट ऑन करते जाऊँगा एन की वैल्यू को चेंज करते जाऊंगा वैसे ही मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट्स फंक्शंस मिलते जाएंगे

ठीक है तो अब मुझे यहाँ से जे एन की वैल्यू मिल गई जे सी एन की वैल्यू मिल गई जे एन बीटा अब इसको हम सीधे सीधे कहाँ पे पुट करेंगे पुट कर सकते हैं इसको सीधे सीधे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को सीधे सीधे हम पुट अप कर सकते हैं ये जो हमें सी एन की वैल्यू अभी मिली है इस सी एन की वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो जब सी एन की वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो मुझे uh, वो पीरियोडिक जो टर्म है पीरियोडिक टर्म ये वाला जो पीरियोडिक टर्म था इसकी वैल्यू मिल जाएगी

इस इक्वेशन अब देखिएगा तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ये जो हमारा पीरियोडिक फॉर्म था जिसको हम लोगों ने सबसे पहले फोर ईयर सीरीज का यूज किया था सीरीज के बाद फंक्शन रिप्लेसमेंट किया तो पूरे पूरे इस फंक्शन को हम लोग इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है अब ये वाला जो फंक्शन था ये आया कहाँ था ये पीरियोडिक फंक्शन आया कहाँ था इसके लिए हम फिर से ऊपर इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको टर्म मिलेगा है ना इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उसमें जैसे ही अप करूंगा तो सीधे सीधे मुझे WBFM का मिल जाएगा ठीक है तो वैसे ही कुछ हमने यहाँ पे किया आप लोग देख सकते हैं वैसे ही कुछ हमने यहाँ पे किया आप लोग देख सकते हैं जो हमारे इस टर्म की वैल्यू है इक्वेशन नंबर ए में पुट ऑन किया है अप किया है और जैसे ही हम लोगों ने एक इक्वेशन पुटअप किया तो हमें ये वाला कुछ इक्वेशन मिल गया आप लोगों को ऊपर वाली लाइन आप लोगों को दिख रही होगी ये हमें इक्वेशन मिल चुका है ठीक अब ये जो जे एन बीटा है जे एन बीटा ये जो हमारा बेसल फंक्शन है इसको हमने स्टार्टिंग में किया और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको हमने, हमने साथ में कर लिया। ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया ये हमारा सेकंड टर्म हो गया एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया सो so, अब ये वाला जो पार्ट देखिए यहाँ पे मैंने रियल लिखा है इक्वेशन के ब्रैकेट के सामने रियल है और हम जानते हैं कि रियल दैट अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं रियल बोल रहा हूँ हमारा कोसाइन फॉर्म हुआ अगर मैं उसको इमेज कह रहा हूँ तो पूरा टर्म साइन हुआ क्लियर बात है तो क्योंकि मैंने यहाँ पे रियल लिखा तो इस रियल को अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो सीधे सीधे इस टर्म को मैं कोसाइन बोल सकता हूँ तो इस रियल की वैल्यू को जब मुझे एलिमिनेट करना है तो ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है जे एन बीटा इसको 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 बाहर रखे, ये जो जो अंदर का जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसको सीधे सीधे हम कॉस बोल सकते हैं कोसाइन बोल सकते हैं ओके सो दिस वन इज द सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डब्ल्यू बी एफ एफ

एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मुझे मिला एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मुझे मिला एफ सी प्लस एफ एम प्लस एफ ठीक अब मैं एन की वैल्यू को 2 रखूंगा तो दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या मिल जाएगा मुझे एफ सी प्लस टू एफ क्लियर बात है और यहाँ पे जो एन की वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वैरी हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे जो मुझे साइड मिलेंगे वो तो एफ

मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डब्ल्यू बी एफ एम का जो डेरिवेशन मैं आप लोगों को अभी कराया हूँ आप इसी डेरिवेशन को फॉलो करें तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी ठीक है तो आई होप आप सभी को यह डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमें यह डेरिवेशन देखना था ठीक है ओके थैंक यू सो मच इसके बाद वाले जो भी हमारे लेक्चर रहेंगे उसमें हमें इस यूनिट का सिर्फ एफ एम जनरेशन के एक दो है मोडेशन के एक मैथड है सिर्फ ये तीन टॉपिक रिमेनिंग रहेंगे फिर हमारे ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा तो सो थैंक यू सो मच ये डेरिवेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग अपने नोट्स में ये एक्सप्रेशन को बना के रखेंगे ठीक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं अदरवाइज आप लोग रोल नंबर और रोल नंबर चैट बॉक्स में वेट कर दीजिएगा साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी सबमिट कर दीजिएगा थैंक यू